हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस सीरीज़ का चैप्टर नंबर 37 इन हिंदी। तो चैप्टर नंबर 37 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी रोजी होती है वो दारू पी रही होती है और चूफिंग को याद कर रही होती है, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी रोजी होती है उसके आसपास लाइट ग्लो कर रही होती है और वो बोलती है कि चूफिंग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अपना जाओ भाई होता है उसे लूफी स्ट्रॉबेरी खिला रही होती है और ये सब कुछ अपनी मैंगी भी चुपचाप से देख रही होती है। और जैसे ही अपना जाओ भाई स्ट्रॉबेरी खाता है तो एकदम गजब का सीन लग रहा होता है ये सब कुछ। और फिर हम देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो अपनी जो लूफी होती है वो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसके नाक से खून का फव्वारा बहने लगता है। और ये देखने के बाद तो अपना जाओ भाई अलग ही लेवल में पहुँच जाता है। और फिर अपने पीछे बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि जो अपनी लूफी होती है वो गिर जाती है सोफा पे और जो अपना जाओ भाई होता है वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस रोजी होती है वो वहाँ पर बैठी होती है, तभी हमारा सूफेंग वहाँ पर पहुँच जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद रोजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सूफेंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है। और फिर हम देखते हैं अपना जो सूफेंग होता है वो रोजी को एक जोर से थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से जो उसकी गर्दन पे लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बेहोश हो जाती है, लेकिन जैसे वो गिरने वाली होती है सूफेंग उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर एकदम रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। तो हम आगे देखते हैं कि जो अपना सूफेंग होता है जब मिस रोजी को हाथ में पकड़े होता है तो अपना जो मिस लूसी होते हैं वो उसे प्रमोट करने लगती है और मैंगी और अपना जाओ भाई भी ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि जो अपना सूफेंग होता है वो उससे जाओ भाई से बोलता है कि मिस रोजी को संभालने के लिए और ये सब कुछ अपनी मैंगी भी देख रही होती है। और जैसे अपना जाओ भाई वहाँ पर उसे संभालने के लिए जाता है रोजी को, तभी हम देखते हैं कि जो रोजी होती है वो डांस करने लगती है। और ये सब कुछ देखने के बाद अपनी जो मिस लूसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार सा मुँह बनाने लगती है क्योंकि वो डांस को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और ये सब कुछ अपनी मैंगी भी देख रही होती है, तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि जो मिस लूसी होती है वो टेबल पर ज़ोर से हाथ मारती है और हम देखते हैं कि जो मिस लूसी होती है वो बोलती है कि ये सब कुछ जोंग सेट है जिसकी वजह से मैं और मेरी सेट की काफ़ी ज़्यादा तबाही हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है। और ये सब कुछ जैसे ही सूफेंग देखता है वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि जो अपनी मैंगी होती है वो सो रही होती है। और तभी सूफेंग उससे बोलता है कि चुप करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा क्योंकि तुम मैंगी को नींद ख़राब कर रही हो। फिर हम देखते हैं कि जो अपना सूफेंग होता है वो उन तीनों से बोलता है कि मैं जोंग सेक्ट को देखने जा रहा हूँ, तुम लोग तब तक मैंगी को संभालना। लेकिन ये सब कुछ जैसे ही वो तीनों सुनते हैं और वो बोलते हैं कि हम भी जाएंगे, लेकिन जो अपना जवाई होता है वो आगे समझाता है कि ये सेक्ट काफ़ी छोटा है, इसके लिए आप कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इसे मैं ही ख़त्म कर दूंगा। और जो अपनी मिस लूसी होती है वो भी बोलती है कि इन लोगों ने मेरे सेट को तबाह करने के बाद ये लोग मेरे दुश्मन बन चुके हैं। और ये सब कुछ जब सुनती है मिस रोजी तो वो भी बोलती है जाने के लिए, लेकिन जो अपना जवाब होता है मतलब कि जो अपना सूफेंग होता है वो बोलता है कि चुप करो और उन लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखता है। और तभी हम देखते हैं कि जो अपनी मैंगी होती है वो उड़ जाती है और जब अपना सूफेंग देखता है तो फिर वो बोलता है तुम मैंगी तुम उड़ गई, तो फिर जो मैंगी होती है वो बोलती है कि मैं भी जाऊंगी। और ये सुनने के बाद अपना जो सूफेंग होता है वो बोलता है ठीक है, लेकिन जो अपने तीनों होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा मुँह बना रहे होते हैं बेकार सा क्योंकि उन लोगों को जाने को मिल नहीं रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अगला सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जोंग सेक दिखाया जाता है जो कि पहाड़ के ऊपर होता है और बिल्कुल ग्राउंड की तरीके से लग रहा होता है जो कि एक पहाड़ के ऊपर रखा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि जो अपना जोंग सेक्ट होता है उसका काफ़ी जो पहाड़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी होता है और हम आगे देखते हैं कि जो मैंगी होती है वो उन सीढ़ियों पे चढ़ रही होती है जो कि जोंग सेक्ट की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जो अपना सूफेंग होता है वो मैंगी से बोलता है कि अगर तुम थक गई हो तो मैं तुम्हें अपने कंधे पर ले चलता हूँ, लेकिन अपना जो मिस रोजी होती है वो ये सब कुछ देखने के बाद काफ़ी गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम इसे लेकर क्यों आए, इसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहे हैं। और लेकिन ये सब कुछ वो ऊपर ही ऊपर बोल रही होती है, अंदर वो काफ़ी ज़्यादा मैंगी की तारीफ़ कर रही होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इस कंडीशन में क्यूट लग रही होती है। लेकिन जो अपनी मैंगी होती है वो ये सब कुछ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा क्लाउड दिखाई दे रहे होते हैं छोटे छोटे जो कि केमिस्ट्री के वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन को समझा रहे होते हैं। और जो अपना पीछे मिस लूसी होती है वो भी काफ़ी बुझे हुए बल्ब की तरीके से लग रही होती है। जो अपना सूफेंग होता है ये सुनने के बाद काफ़ी गुस्से में आ जाता है और मिस रोजी से बोलता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो, और उसके बाद अपने हाथ से एक ऑरा निकालता है और उसकी तरफ और मैंगी की तरफ भेज देता है। और फिर हम देखते हैं कि मैंगी की पावर अचानक से बढ़ जाती है और उसका स्ट्रॉन्ग ऑरा काफ़ी बढ़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो अपनी मैंगी होती है वो एकदम फ्लैश की तरीके से मिस रोजी के पास से निकल जाती है और मिस रोजी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। और फिर वो जो अपना सूफेंग होता है वो बोलता है कि अब देखते हैं कि क्या होता है और फिर बोलता है कि क्या रेस लगाना चाहोगी मैंगी से, देखते हैं कि कौन पहले ऊपर जाता है।
फिर हम देखते हैं कि जो मिस रोजी होती है वो ये सब तो कुछ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक लग रही होती है, लेकिन जब ये सोच देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है तभी अपना जॉ भाई भी आ जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जो जॉ भाई होता है वो मिस रोजी को अपनी आँख और अपनी जीभ दिखाने लगता है और बोलता है कि तुम तो एक टर्टल हो जिसके लाल बाल हैं और तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए था, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो और हमें और भी ज़्यादा स्लो कर दोगी। और ये सुनने के बाद मिस रोजी और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि जो मिस रोजी होती है वो एकदम से लाल पीली होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि पीछे जो अपनी मिस लूसी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाथ पीछे हिला रही होती है और देखते हैं कि वो बिल्कुल एक बटरफ्लाई जैसी लग रही होती है जिसके हाथ पंखी जैसे लग रहे होते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि जो मिस मैंगी होती है और साथ ही में अपना जो सुफेंग होता है वो जोंग सेट की तरफ पहुंच चुके होते हैं और अपनी मैंगी बोलती है कि वो पहले से पहुंच चुकी है और मैं अपना सुफेंग उसकी तारीफ़ करने लगता है। लेकिन हम पास में ही देखते हैं कि जो अपना जॉव होता है उसके सर पे ऊपर एक टमाटर फूल रहा होता है और उसकी आँखें की लाइट जा चुकी होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अपना जॉव होता है वो मैंगी से जीतने की कोशिश कर रहा होता है और ये देखने के बाद अपना सुफेंग काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसको खूब पीटता है धमाके। और फिर हम देखते हैं कि पीछे मिस लूसी और साथ में मिस रोज होती है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन दोनों ही के दोनों थके हुए लग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जोंग सेक्ट दिखाया जाता है जिसे क्वीन फेंग सेक्ट भी कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो मैंसन काफ़ी ज़्यादा रॉयल लग रहा होता है और काफ़ी एंशियंट लग रहा होता है और आसपास काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पेड़ लगे होते हैं। और ये देखने के बाद जो अपनी मैंगी होती है वो बोलती है कि मुझे ये मैंशन देखना है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैंशन है। इसके बाद अपना जो सुफेंग होता है वो बोलता है ठीक है और जॉ भाई को ऑर्डर देता है कि जाओ अंदर क्लीन करके आओ। और यहाँ पर जो अपना जॉ भाई होता है वो बोलता है ठीक है और अंदर जाता है जोंग सेक्ट के अंदर। और हम देखते हैं कि वो जैसे गेट बंद करता है और अंदर कदम रखता है वहीं से एक कल्टीवेटर आगे आता है और जॉ भाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो दूसरा कल्टीवेटर होता है वो पिट चुका होता है पहले से ही और वो जैसे ही जॉ भाई को देखता है वो घबरा जाता है। लेकिन जो अपना दूसरा कल्टीवेटर होता है वो बोलता है कि अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे और तुम्हारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिटाई होने वाली है। और लेकिन जो अपना जॉ भाई होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता और बोलता है कि जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है।